होप आप सभी एकदम अच्छे अच्छे होंगे। सो टुडेज न्यू वीडियो, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्सेस में वीडियो। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैंड क्रीम के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं, हम अपने हेयर का ध्यान रखते हैं, तो अच्छे से अच्छी क्रीम, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो भी मार्केट में न्यू आए होते हैं, न्यू लॉन्च हुए होते हैं, तो हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारा अच्छा हो जाए, हमारा फेस ग्लो करे, ग्लोई ग्लोई फेस हो जाए, सारे पिंपल्स वगैरह, टैन वगैरह जो होता है, जो भी चीज़ें हो जाती हैं फेस पे, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम, तो हम नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं अपने फेस के लिए, ताकि हमारा फेस अच्छा लगे। हमारे हेयर के लिए भी हम अलग अलग शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, सिरम यूज़ करते हैं, फुल बॉडी के लिए भी हम कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं। तो मतलब अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, कैटेगरी बनी हुई है अलग अलग इस सब चीज़ की, मतलब पूरे बॉडी की भी, कि फेस के लिए अलग क्रीम है, हेयर के लिए अलग क्रीम है, बट हम अपने हैंड के बारे में भूल जाते हैं। हैंड के बारे में अब आप सोचोगे कि मॉइस्चराइजर क्रीम तो हम यूज़ करते ही हैं, तो हम फेस में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, अपने नेक पे लगाते हैं, तो पूरे हैंड पे भी हम लगा लेते हैं, अपने हाथों पे लगा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हैंड की क्रीम भी होती है, जो हमारी ये स्किन होती है यहाँ पर और एक स्किन होती है यहाँ पर, तो ये स्किन जो हमारी यहाँ होती है ये थोड़ी सी थिक होती है और ये थोड़ी सी थिन होती है, तो इसलिए हमें थोड़ी हैंड के लिए अलग क्रीम चाहिए होती है। और बेसिकली अगर हम जो घर में वूमेंस होती हैं, घर में काम करती है, जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैं अपना काम खुद से करती हूँ, झाड़ू पोछा साफ सफाई डस्टिंग सारी चीज़ करती हूँ, चेना एवरीथिंग, और बहुत सारी वूमेंस हैं और जो कॉलेज गोइंग गर्ल होती हैं या मतलब बाहर जो ऑफिस जाती हैं, ऑफिस गोइंग होती हैं, उनके लिए भी ही है ये, क्योंकि वो लोग बाहर जाते हैं तो डस्ट वस्ट आ जाता है, कभी यहाँ हाथ लग रहा है, कभी वहाँ हाथ लग रहा है, तो इसलिए मेरे हमारे हाथ बार बार वॉश करते करते ड्राई हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है हैंड में। और जो घर में काम करते हैं, जैसे कि मैं घर में भी सारे काम करती हूँ, तो बर्तन धोना, घर के काम करना, तो ये सब चीज़ें तो पानी में हाथ जाता ही है। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे तो हार्ड वाटर है, यानी कि खारा पानी है, तो खारे पानी में तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। फेस पे तो चलो ये है कि हमने एक बार वन टाइम खाया तो मीठा पानी हम ऊपर से डाल लेते हैं, ऐसा हम करते हैं, तो फेस का तो ये है कि पूरा टाइम धुलता नहीं है, बालों का भी पूरा टाइम धुलता नहीं, लेकिन हमारे हाथ बार बार काम करना, बर्तन धोना, किचन में काम करना, बार बार हमारे हाथ पानी में लगते हैं तो धुलते हैं, तो इस वजह से हमारे हाथ में ड्राइनेस आ जाती है, तो हमें चाहिए होती है क्रीम। अब पूरे टाइम हम यूज़ नहीं कर सकते, एक टाइम हम मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं जब हम नहाते हैं, उसके बाद हम लगा लेते हैं क्रीम हाथ में, ठीक, उसके बाद हम नाइट में यूज़ करते हैं जब हम सो जाते हैं, तो नाइट में ज़्यादा अच्छी बेनिफिट होती है, बेनिफिशियल होती है ये क्रीम, क्योंकि नाइट में हम सो जाते हैं तो हमारा पानी में हाथ बार बार नहीं जाता, वॉशरूम जाना होता है तो सुबह मॉर्निंग में ही होता है, तो इसीलिए हैंड क्रीम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे हाथ में ड्राइनेस आ जाती है उस वजह से, और कितना ही यूज़ कर लो यार क्रीम फिर भी कम ही पड़ जाती है हाथ के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए, अच्छे से हमारे जो हाथों में जो टैन आ जाता है और जो हार्ड से बिल्कुल ऐसे टाइट टाइट से हाथ हो जाते हैं, सॉफ्टनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जो स्किन का जो टेक्सचर जो स्किन का होता है वो बिल्कुल ही डेड हो जाता है, तो उसी को इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए मैं एक हैंड क्रीम आपके लिए लेकर आई हूँ, दो वर्सेस में लेके आई हूँ, थंबनेल में मैंने इसीलिए लगाया कि कौन सी क्रीम बेस्ट है, कौन सी आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिव्यू दूंगी वाइप आउट का हैंड क्रीम, तो ये है माई ग्लेम का वाइप आउट, इसका जो रिव्यू है आई थिंक बहुत ही कम, रेयर ही इसका रिव्यू दिया है यूट्यूब चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे, तो ये इसका रिव्यू मैं पूरा पूरा दे रही हूँ आपको, वर्सेस में दिखा रही हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो माई ग्लैम का ये वाइप आउट का हैंड क्रीम है, जर्म स्केलिंग हैंड क्रीम सिनेमोन एंड रोजमेरी ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। सिनेमोन जो है होता है ना, वो आपके जो हाथों में, जैसे कि ये इक्यूम्स होते हैं ना यहाँ पर साइड में, इसको सॉफ्टनेस करता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है इसको, ठीक है, सॉफ्ट कर देगा, तो यहाँ से होता है ना बिल्कुल टाइट टाइट से, हम जब ऐसे ऐसे करेंगे हाथ में तो ना चुभने से लग जाता है कुछ, तो वो जो होता है ना ये चीज़ हमारे यहाँ पर इक्यूम्स जो होता है ये चीज़ को ना सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। और इसमें है एंड रोजमेरी ऑयल है इसके अंदर, तो रोजमेरी ऑयल है, सॉफ्ट कर देता है आपके हाथों को, जो ड्राइनेस होती है उस ड्राइनेस को ख़त्म करता है, सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, इवन कर देता है, जो हमारे स्किन में जो हमारा जैसे होता है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमारा यहाँ पे कलर चेंज होगा, यहाँ कलर चेंज होगा, तो वो ना इवन टोन कर देगा आपकी स्किन को, एक जैसा कलर कर देगा, तो मतलब ये है कि टैन को ख़त्म करता है आपके हाथ में, जो टैन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस की वजह से ही टैन आता है, तो उसको वो ख़त्म कर देता है, तो इसीलिए इस चीज़ का ये बेसिक जो मोटा मोटा जो पॉइंट है ना वो है इसके अंदर, ठीक है। नेचुरल आयुर्वेदिक की क्रीम है ये, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक प्रोडक्ट में केमिकल नहीं होना। मैं इतने सारे प्रोडक्ट लेके आई हूँ, सारे केमिकल फ्री लेके आई हूँ, वर्सेस में इसलिए लेके आई हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा इनके साथ, तो वो मैं आपको बताऊँगी लास्ट में कि किसके साथ ज़्यादा अच्छा रहा। तो ठीक है, ये है सॉफ्टनर एंड ब्राइटनेस स्किन है, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, डल हो जाती है ना स्किन क्योंकि पानी में आ जाते हैं, इसलिए हमारे हाथों की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, डेड हो जाते हैं,
सॉफ्टनेस एंड ब्राइटनेस स्किन के लिए होता है ये हो ऑन जर्म्स। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जर्म्स को भी ये किलिंग करता है, यानी कि जैसे कि सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर का काम भी करता है ये। जो जर्म्स होंगे आपके हाथ में, आपको जरा भी ये नहीं कि आपको लगेगा कि आपने कोई क्रीम लगा दी है हाथ में, आप बच्चों को खाना खिला रहे हो तो उसका जो केमिकल होता है उसके अंदर जा सकता है उनके, तो वो चीज़ नहीं करेगा ये, जर्म्स को ख़त्म करेगा। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें पीछे दिया भी है पैराबेंस एंड एसएलएस फ्री है, ये पैराबेंस फ्री है, सल्फेट फ्री है, टॉक्सी फ्री है, ठीक है, टॉक्सिन फ्री है, और कंटेंट्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर, ठीक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैं पिक्चर साइड में लगा दूँगी तो आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है ये, इसमें जो भी चीज़ें हैं, जर्म्स किलिंग एंड नर्सिंग हैंड क्रीम विद सिनेमन एंड रोजमेरी ऑयल विद एक्यूम फ्रूट्स लेमन तुलसी एंड नीम ऑयल्स, दिस एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल है, हैंड क्रीम रिस्टोर्ड मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्ट एंड नर्सिंग योर हैंड्स एनी टाइम एनी वेयर, ठीक है। आपके जो स्किन का जो टेक्सचर है उसे इम्प्रूवमेंट में लेकर आता है, आपके हैंड्स को नर्सिंग करता है, नर्स मतलब नर्सिंग प्रोवाइड करता है, नर्सिंग प्रोवाइड करता है, जो भी आपके हाथ है ना बिल्कुल ऐसे लगेंगे साफ़ सुथरे से, क्लीन से, ब्राइट से, और सॉफ्टनर्स रहेगी, नर्सिंग से रहेंगे, जैसे कि फेस एकदम नर्सिंग होता है ना, वैसे ही आपके हैंड भी बिल्कुल एकदम नर्सिंग मॉइस्चराइजर रहेंगे। तो ये काम होता है। तो इसमें हाउ टू यूज़, इसमें बताया भी गया है कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, अप्लाई कॉइन सिस्ट अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट लेना है इसका, ठीक है। और हाँ, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो टेक्सचर है ना मुझे सबसे अच्छा इसमें यही लगा, कि वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा था। जो इसका टेक्सचर है ना, इसका जो क्रीमिश है ना, वो थोड़ा सा थिक है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है इसका, आपके पूरे हैंड में अच्छे से कवर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, रब 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 करके मतलब अच्छे से आपको अपने हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना है अच्छे से। अब हाथ को तो हम चाहे टाइट भी कर सकते हैं क्योंकि हाथ है कर सकते हैं, तो हाथों को अच्छे से आपको मसाज करना है, इसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है, और बस दैट्स इट, खत्म। तो आपके हाथ बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छा सा फील करेगा, बस हाथ को मॉइस्चराइज, इसको लगाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है, साबुन से या पानी से भी धो, जैसे भी धो, उसके बाद ही क्रीम लगानी है। टू टाइम्स लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, मॉर्निंग में लगा लो नहाने के बाद, और सोने से पहले लगा लो, ठीक है, बिफोर स्लीपिंग। तो उससे सोने से पहले लगाओगे तो ये है कि रात में आपको पानी वानी में हाथ नहीं डालना पड़ेगा, तो ये हाथ में रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा देगी, ठीक है। ये 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, मैं ऑन स्क्रीन भी लगा दूँगी, तो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑफलाइन लिया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने जब इसको ऑनलाइन लिया ही नहीं तो मैं कैसे दूँगी। पिक्चर्स आप देख लेना, उसके बाद आप इसमें नायका पे, पर्पल में, अमेजोन में, जहाँ भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं आप वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हो, आपको वो थोड़े से सस्ता भी मिल जाएगा, हो सकता है कि ये और डिस्काउंट भी मिल जाए। तो इसी का मैंने एक परफ्यूम भी लिया है, उसका रिव्यू मैं बाद में लेके आऊँगी, जब अपने परफ्यूम का हॉल वीडियो लेके आऊँगी ना तब दिखाऊँगी, हॉल वीडियो मतलब कि मैंने क्या परफ्यूम यूज़ करती है, ये सब मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो इसके इंग्रीडियंट्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो बस छोटा मोटा मोटा मैंने आपको बता देती हूँ, इसमें है तुलसी ऑयल है, इसमें लीफ है, इसमें नीम ऑयल है, इसमें कोका बटर है, इसमें जितने भी परसेंट मिलाया जाता है वो परसेंट भी इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, स्ट्रिक एसिड है इसमें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, छोटा छोटा सा करके मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ इसमें मेरे को इतना छोटा लिखा हुआ है ना, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, रोजमेरी ऑयल, ये सारी सिनेमन ऑयल है इसमें, कोका बटर है इसमें, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लीफ वगैरह ये सब चीज़ें हैं इसमें, कोका बटर होता है वो भी अच्छा होता है स्किन के लिए हमारे, और हैंड में मिल रहा है, हैंड क्रीम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तुलसी है और इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी माइल्ड सी है, फ्रेगनेंस इसकी जैसे दालचीनी होती है किचन में जो हम यूज़ करते हैं, दालचीनी जो खुशबू हल्की फुल्की सी माइल्ड सी होती है, और एलोवेरा और हल्की फुल्की मतलब ऐसी खुशबू लगा लो आप, जैसे क्या बताऊँ मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत ही केमिकल नहीं है इसमें कोई भी, इसलिए आर्टिफिशियल कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है। आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस होती है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड सी होती है, एकदम से आप पता चल जाता है हैंड पे क्रीम लगाते हैं कि हाँ भैया इसने कुछ लगाया है, तो ऐसा नहीं है इसमें, माइल्ड सी फ्रेगनेंस है इसमें क्योंकि आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, इसीलिए इसमें ऐसी कोई फ्रेगनेंस नहीं। तो चलिए अब दिखाते हैं स्विस ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी का जो है वो है मेरे पास, है मेरे पास स्विस ब्यूटी की कैमोमाइल रोमांटिक फ्लोरल हैंड क्रीम, ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में साइड में लगा दूंगी, रोमांटिक फ्लोरल हैंड क्रीम स्विस ब्यूटी की, और इसका प्राइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका प्राइस है 100 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ कम है इसमें, और बाकी जो एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊँगी अच्छा कौन सा है नहीं कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। तो
प्राइस को देख के तो ठीक ही है, बट बाकी सारी चीज़ें भी हमें देखनी है ना। तो इसमें क्या है, इसका जो जो टेक्सचर है क्रीम का, मैं टेक्सचर पहले बता देती हूँ। उसका जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ वाटरी जो होता है ना वैसा है, काफ़ी पानी जैसा बिल्कुल पिघलता हुआ ऐसा है। तो मतलब उतना पानी जैसा भी नहीं है, लेकिन ये जो इसकी जो टेक्सचर है क्रीम का वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी है। ये देखो ये ऐसे गिरेगा, अभी वीडियो पे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको क्वांटिटी से ज़्यादा लिया दिख रहा होगा ना। तो यही फ़र्क होता है थोड़ा सा प्राइस में, कम में और ज़्यादा में 50 रुपीज़ का फ़र्क है। प्राइस में फ़र्क तो है ही, 50 रुपीज़ का फ़र्क है। 149 का ये है और 99 का ये है। तो ये देखो ये ऐसे रही बात, ये चीज़ आप इसको थोड़ा सा ही लो, लग जाएगा पूरे हाथ में, अच्छे से ऑब्जर्व हो गए। उसकी जो जो टेक्सचर है क्रीम का वो थोड़ा सा थिक है, आप इतना सा भी लोगे ना तो पूरे स्किन में अच्छे से लग जाएगा। इसका टेक्सचर थोड़ा सा वाटरी है, तो ये ना मतलब ऑब्जर्व होने में टाइम लगाएगा। आप हाथ पे लगाओगे ना तो बस आप इसको ना बस ये मर्ज ही करते रह जाओगे, ऐसे ही मर्ज, मतलब आप अच्छे से इसको मसाज ही करते रह जाओगे ना। ये जल्दी से ना ड्राई नहीं होता, मतलब आपको सुखाना है इसको बहुत देर तक, आप इसको ऐसे ऐसे करते रहोगे तो ना जल्दी से ड्राई नहीं होगा। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को लगी कि काफ़ी ज़्यादा वाटरी है, गीला गीला रखेगा हाथ में, सूखता नहीं है जल्दी से, यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इसकी जो फ्रेगनेंस है, और दूसरी चीज़ इसमें केमिकल है थोड़ा बहुत, यहाँ कहीं भी इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये केमिकल फ्री है। तो हमें अगर हमें कुछ खाना होगा या बच्चों को कुछ खिलाना होगा या खाना बनाना होगा, क्योंकि सब्जी वगैरह काटेंगे, तो इसका जो केमिकल है वो खाने में जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी आप सबको कि आप ये वाला लो, सस्ता है तो ले लो। हाँ फ्रेगनेंस ठीक अच्छी है इसमें, बहुत ही खुशबूदार फ्रेगनेंस है इसकी, बहुत सारे जैसे बहुत सारे फूल फ्लावर्स वगैरह, चलो फ्लावर्स तो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बाकी सारी भी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, तो इसके लिए इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, टॉक्सिन फ्री है, पैराबेंस फ्री है, स्लेस फ्री है, सल्फेट फ्री है, तो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ही रिकमेंड करती हूँ कि आप उसको ले सकते हो। और 149 का है तो यार ये तो कर ही सकते हैं अफोर्ड, क्योंकि वो तो 149 150 रुपये का तक कोई भी क्रीम ले ही लेते हो। और हैंड के लिए तो चलो ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं ना, मॉइस्चराइजर का एक अलग काम होता है, हमारे पूरे बॉडी के लिए होता है, लेकिन हैंड का जो होता है ना, हमारे हैंड पानी में ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको पहले भी मतलब वीडियो में बता चुकी हूँ इसमें कि क्यों है, तो आप समझ सकते हो कि हमें हैंड के लिए भी कोई ना कोई क्रीम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पानी में हाथ रहते हैं और जहाँ पर हार्ड वाटर है तो वहाँ तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अगर जो लोग कर सकते हैं तो कर ले, और अगर लेना चाहे तो स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, बट ये है कि आप कोई भी चीज़ खाने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले या खाना वाना बनाने से पहले आपको हाथ भी धोने पड़ेंगे। हाँ ये है कि आपके हैंड में ये ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, हाथ को सॉफ्ट रखेगा, ब्राइट करेगा, जो स्किन टोन हो जाता है एक हमारा हैंड का अलग और फेस का अलग, उसको इवन टोन कर देगा, ठीक है। तो टैन को ख़त्म कर देता है, आपके हाथों को सॉफ्ट कर देता है, ये चीज़ जो काली हो जाती है। अभी तो मेरी ऐसी हो गई कि मैं कभी भूल जाती हूँ कभी लगाना, बट 2 टाइम आपको लगाना है इसको। अप्लाई प्रॉपर अमाउंट ऑफ हैंड क्रीम ऑन हैंड्स एंड जेंटली मसाज अंटिल कम्प्लीटली ऑब्जर्व, ठीक है। आपको जब तक इसको मसाज करते रहना है जब तक ये अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद जाएगा, और टाइम तो हमारे पास उतना नहीं होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी तो यार बस हम वही चीज़ चाहते हैं कि थोड़ी सी लें बस फटाफट से ऑब्जर्व हो जाए और अच्छे से बच जाए। तो यही था मुझे इसका, बस यही अच्छा नहीं लगा। प्राइस को लेके तो अगर आप लेना चाहो तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो, क्योंकि ये 99 रुपीज़ का है, तो इसको आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन मैंने नहीं लिया है, ऑफलाइन लिया है, तो मैं कोई लिंक नहीं दे पाऊँगी, बट आप ऑनलाइन देख लेना, वहाँ पे पर्पल में या अमेजोन में जहाँ भी इसके सारे प्रोडक्ट मिलते हैं नायका में, वहाँ से ले सकते हो। और मैंने 4-5 प्रोडक्ट लिए थे, तो 1000 से अंडर में मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई थी, 4 या 5 प्रोडक्ट मिले थे मुझे ऑफर में, ये सारा जो कुछ होता है ना पैकेज वगैरह वो मिला था मुझे, ठीक है। और इसमें क्या है, ये है 149 का, तो इसमें कोई भी एसलेस एंड टॉक्सिक वगैरह फ्री है, केमिकल नहीं है, तो आप ये ले सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस, काफ़ी अच्छा है ये 149 का, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, तो आराम से ले सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस है तो ठीक है। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसमें ऐसे कोई भी डर नहीं है कि आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हो, बच्चों को खिला नहीं सकते हो, तो मैं बार बार ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर आपको लेना चाहे तो ऑल्सो गो फॉर दिस, जो भी आपको लेना चाहे, आपको ये लेना चाहे तो ये ले लो, ये लेना चाहे तो ये ले लो। सो क्रीम लेने से पहले आप ये चीज़ भी जरूर देखना है कि एक्सपायरिंग डेट उसकी क्या है, तो कोई भी क्रीम अगर आप लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसकी एक्सपायरिंग डेट जरूर देखना है। सो यार टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना आप सजेशन दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं। ऑल्सो मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन इसको जरूर प्रेस करें, ताकि आपको साथ साथ जो भी वीडियो मेरी डलती रहती है, अपलोड होती है, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुस्त रहिए, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।